है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब सबसे पहले तो ये लग्न को देखना पड़ेगा, ठीक है जी, कि जातक का लग्न कैसा है, समझ गए बात को, लग्न कैसा है, लग्न क्या प्रॉपर्टी खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। आदमी प्रॉपर्टी जो है ना वो चौथा घर नहीं खरीदता है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ये जो कोई भी जो ज्योतिष आचार्य है ना, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लग्न को नहीं देखते हैं, समझ गया। यहाँ पे लग्न को देखिए, तो ये जो जातक है ये देखिएगा आपका सेम है ना, ये लग्न मेरा 18.8 डिग्री है, तो ये लग्न हाँ जी का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो बुध है, समझ गए ना। अब बुध जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो तीसरे घर का कारकेस है और 12वें घर का कारकेस है, यानी इन्वेस्टमेंट भी है और प्रॉपर्टी बेचने का भी कार्य है, क्योंकि चौथे के बाहर होना है तो प्रॉपर्टी बेचेगा भी। तो बुध जो है वो 14 डिग्री का रेट्रोगेट बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 डिग्री का बुध है तो ये बुध जो है आपका जन्म कुंडली में क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, 6, 3 और 12, ठीक है जी। तो हमारे को जो प्रॉपर्टी बेचने होते हैं वो होता है हमारा 3, 5 और 10 के भाव, ठीक है जी, हैं इनमें से कोई भी, तो तीसरा घर यहाँ पे ये सिग्निफिकेट कर रहा है, ठीक है जी। अब छठा और 12वां भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इसको मनचाहा मूल्य नहीं मिलेगा, मनचाहा। मूल्य नहीं मिलेगा। अच्छा ये लग्न कह रहा है, ये इस व्यक्ति का लग्न कह रहा है, इसका मतलब इसको खुद को पता है कि यार ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मैंने 5 लाख में खरीदी थी, आज 2 साल हो गए हैं और मेरे को जो है अब कम से कम है तो इसका जो है वो 7 लाख मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअलिटी में जो है ना वो इसको पता है यार अब रेट नहीं है, मेरे को तो 5 का 5 ही मिलेगा या 5.5 मिले या 6 मिले। तो ये यहाँ पे 3 और 6 और 12 साथ में है ना, तो यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जातक को थोड़ा सा उतना मन चाह मूल्य में नहीं मिलेगा, ये लग्न निर्धारित कर रहा है, समझ गए बात को, ये लग्न निर्धारित। अब इसको आपको ब्रीफली देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा बुध का नक्षत्र स्वामी कौन है। बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो बुध है आपका वो 11, 6, 1, 3 और 12 दिखा रहा है। अब 3 जो है ना वो क्या है, डी टाइप सिग्निफिकेटर है, समझ गए आप। सर, एक सेकंड एक सेकंड, जो आपने पहले दिखाया था बुध, वो क्या चीज दिखाई थी? वो वो देखो ये पहले बुध हमें वो ये दिखाया। क्या है, ये क्या है, ये जो केपी के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है केपी कौन से भाव में बैठा है कोई ग्रह और कौन सी राशियों का मालिक है, ठीक है, इतना होता है, समझ गए अब है। अब क्या है उसको हम क्या करेंगे, ब्रीफली देखेंगे कि भाई ये जो है ना कि इसमें क्या है, जब कोई ग्रह रिजल्ट देता है ना, जैसे आपने फोर्थ सिग्निफिकेटर पढ़े होंगे या केवी सिग्निफिकेटर, तो कोई भी ग्रह रिजल्ट देता है ना वो अपने नक्षत्र का, यहाँ पे तो क्या है ये सिर्फ बुध की पोजीशन है, ये बुध छठे घर में बैठा है, जैसे यहाँ पे जन्म कुंडली में तो 7वें में लेकिन भावचलित में ये छठे में बैठा है, तो ये बुध छठे में बैठा है और 3 और 12 का मालिक है, समझ गए बात है। तो यानी कि ये तो इनकी पोजीशन है। अब इसका नक्षत्र जो चंद्रमा है, गुरु जो इसका उप नक्षत्र है, वो भी तो जुड़ेगा ना। तो इसको आपको ब्रीफली देखने के लिए यहाँ पे क्लासिक रेसिपी पे क्लिक करना पड़ेगा, आपके सॉफ्टवेयर में भी ऐसी सेटिंग है ये, हाँ जी तो आप यहाँ पे जैसे करोगे तो यहाँ पे आएगा 11, 6, ठीक है, 1 और 3 और 12। 3 और 12 क्या है, अंत में आया, यानी डी टाइप में आया है। डी टाइप सिग्निफिकेटर का मतलब होता है कि ये जो है वो इन राशियों का मालिक है, यानी कि ये ग्रह इस भाव के परिणाम कम देगा। क्यों कम देगा, क्योंकि ये एक टैलेंटेड प्लेनेट है, समझ गए, यानी कि बुध जो है वो क्या कर रहा है कि वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है लेकिन कोई और ग्रह जो है वो बुध के परिणाम दे रहा है, यानी कि जन्म कुंडली में देखिए तो यहाँ पे बुध के परिणाम कौन दे रहा है, मंगल, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा और ये बुध, राहु दे रहा है, ठीक है जी। तो 3 और 12 के परिणाम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राहु के हाथ में, समझ गए बात। जब हम राहु को देखेंगे तो राहु को हम जब ब्रीफली देखेंगे तो राहु जो है वो यहाँ पे 3 और 12 को सी टाइप में सिग्निफिकेटर कर रहा है, तो यानी कि राहु भी प्रॉपर्टी का कारक है, ठीक है जी, बेचने का है। 6 बार आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये इस जातक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब जो बुध यहाँ पे दिखा रहा है 11, 6, 3 और 12, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच सकता है, थोड़ा सा इसको जो है वो टाइम लगेगा, है ना। 1 सेकंड चालू रखिएगा, 1 सेकंड चालू रखिएगा। हाँ हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण, बोलिए। हाँ बोलिए, मेरी बात मेरी बात सुनो। एक्चुअलिटी में क्या है ना, अभी आप मेरे को आधे घंटे या 1 घंटे बाद कॉल करो, मेरा एक्चुअली क्लास चल रहा है ना, एक व्यक्ति को पढ़ा रहा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या था कि यहाँ पे जो बुध है ना वो 3 और 12 के परिणाम बहुत ही न्यूनतम केस में देगा, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमें जो परिणाम मिलेंगे 11, 6 और 1, तो यानी कि जातक जो इच्छा रखता है वो करेगा। 3 है इसका मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी। तो लगन कह रहा है कि तुम प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ये तो है प्रॉमिस, ठीक है जी, ये प्रॉमिस। अब हमें देखना है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो चतुर्थ घर के द्वारा बिकती है, ठीक है जी, है। अब चतुर्थ घर के, तो फोर्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो यहाँ पे फिर से जो है बुध ही बनता है, ठीक है जी। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी आ रही है सर। तीसरे जो चौथे घर का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो है आपका बुध, और बुध जो है, अब प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमारे पास क्या है कि कहीं ना कहीं मंगल का होना जरूरी होता है और शनि का, शनि बनाने में भी है और बिकने में भी है, मंगल बनाने और बेचने में भी है, ठीक है जी। तो अब कहीं ना कहीं मंगल को हमें उपयोगिता में लेना पड़ेगा। अब जो बुध है वो चौथे घर का कस्पल सब लॉर्ड है, अब बुध जो है वो यहाँ पे फिर वही सिग्निफिकेटर दे रहा है, 6, 12 और आपका 11, 6, 3 और 12। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई दोराय नहीं है, तीसरा घर आ गया, इसका मतलब है प्रॉपर्टी बेचेगा। 6, 12 है, 11 भी है, तो इसका मतलब है कि इसका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको अपने मन चाहे दाम नहीं बिकेंगे, समझ गए आप, यानी इसको आप मन चाहे जो मूल्य है ना वो नहीं बिकेगा अभी। इसमें कोई शंका है आपको, अभी समझ में आया ये क्या, नहीं समझ में आया? एक्चुअल में क्या है ना, ये मेरे को केपी सॉफ्टवेयर तो लिया है मैंने अभी स्टार वन का, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा मेरे को चलाने में दिक्कत है, कि जैसे आपने मेरे को बताया ना, तो जैसे मैंने किसी से सीखा था, जैसे उन्होंने मेरे को 3, 5, 10 है ना मकान बेचने के लिए, 3, 5, 10 होने चाहिए। कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती सर, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। नहीं नहीं, जो भी करते हो, मैं नहीं करता, जैसे केपी के भी सीखते हुए कितना टाइम हो गया? सर मेरे को हो गए 6 महीने, लेकिन कोई सिखाने वाला ढंग का है नहीं, पैसे भी बर्बाद हुए मेरे। बात सुना करो, जल्दीबाजी मत करो, बात सुनो। अभी देखो, सुनो, क्या है कि इतना समय हो गया ना आपको, और अपने न्यूमरोलॉजी भी किया, जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा आपने, एक चीज हमेशा समझो कि ये जो कॉम्बिनेशन लोग देते हैं ना 3, 5 और 10 का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सटीक कहीं नहीं मिलेगा, असंभव है ये। 6-10 मिल जाएगा, तलाक हो जाएगा, कोई कह देगा 6-8-12 मिल जाएगा, असंभव है। असंभव कब होगा? जब व्यक्ति का वो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर दोबारा नहीं पैदा होता, समझ गए ना, तो वो कॉम्बिनेशन लेके आया है 7-8-12 के साथ 2-6-10 का, वो कॉम्बिनेशन सचिन तेंदुलकर लेके आया है, समझ गए ना। टाटा जी बार नहीं पैदा होते, तो वो सटीक कॉम्बिनेशन उनके मिलेंगे जो प्रॉपर्टी डीलर है बहुत बड़ा, जैसे डीएलएफ हो गया, ईमार एमजीएफ हो गया, हैं ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, उनके होंगे 3, 5, 10 के कॉम्बिनेशन, जो दिन में 10 बार प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे। एक जो आप और मैं है, नॉर्मल है, उनके क्या होगा कि प्रॉपर्टी हम तो जिंदगी में 2 बार या 1 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, समझ गए ना। तो उन लोगों के क्या होगा कि छोटे छोटे भाव होंगे कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए ना पूरा सटीक जाने की जरूरत नहीं। आपको अगर 3, 5, 10 नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है, सिर्फ 3 मिल गया ना, इसका मतलब 3 क्या है, 3 क्या है कि हमारी प्रॉपर्टी का 12वां भाव है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी बेचने का है, समझ गए आप। पांचवा क्या है, हमारे प्रतिद्वंदी का लाभ है। सातवां घर कौन सा है? सातवां घर हमारा प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी का मतलब हमारे जो हमारी पत्नी है, पार्टनर। तो पार्टनर जो है, अब हम कोई डील करेंगे किसी के साथ, आज मेरे से आप डील कर रहे हो 1000 रुपए देके, तो आप मेरे पार्टनर हो, समझ गए ना। तो आपका क्या है, मेरा नॉलेज आपका लाभ है, समझ गए, और आपका पैसा मेरा लाभ है, समझ गए। तो आज पांचवा घर चला तो आपसे मैंने 1000 रुपए ले लिए, अब मेरा पांचवा घर चल रहा है, नॉलेज ले रहे हो, समझ गए। पांचवा घर क्या है कि ये प्रतिद्वंदी, तो मैंने आपका लाभ लिया, आपने मेरा लिया, तो ये डीलिंग हो रही है हमारी पार्टनरशिप। तो तीसरा प्रॉपर्टी का 12वां, पांचवां जो है वो अगले का फायदा, और जो 10वां आया वो क्या है, हमारे जो लाभ घर है इसको काटना। भाई कोई आदमी प्रॉपर्टी बेचेगा तो प्रॉपर्टी क्या है, बहुत बड़ी लाभ होता है, हमारा लाभ कटता है तभी प्रॉपर्टी बनती है किसी की। आदमी कोई अगर कोई आदमी खराब होता है या किसी भी बुरे वक्त में प्रॉपर्टी बेचता है, इसका मतलब उसका बुरा वक्त है। तो 11वां अगर लाभ कटता है ना तो प्रॉपर्टी बनती है। तो 3, 10 और 3, 5 और 10 कभी सटीक नहीं मिलेगा, 4, 11, 12 कभी सटीक नहीं मिलेगा। तो आपने ये देखा कि आपको जो है वो क्या मिल गया, आपको जो है वो क्या मिल गया कि आपको ये जो है वो प्रॉपर्टी बेचने का योग मिल गया, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसेस देखना है,
प्रॉमिस, जैसे किसी ने कह दिया भाई मेरी शादी होगी कैसी होगी, तो प्रॉमिस या नहीं हो। हाँ होगी नहीं होगी या कैसी होगी, तो शादी कैसी होगी वो प्रॉमिस देख लिया। अब वो कैसी होगी, मान लीजिए कि 10 साल बाद तलाक हो जाए, 10 साल बाद आदमी भाग जाए, मर जाए, कुछ और हो जाए, समझ गया बात को है? तो ये जो घटनाएं होती है ना, ये क्या है कि प्रोमिस यहाँ पे देखेगा, बात आ गई समझ में आपको? तो प्रोमिस आपने हाँ देखी, सर, प्रॉमिस तक तो समझ में आ गया मुझे। तो आपको ये आपने यहाँ पे क्या प्रोमिस निकाला कि बुद्ध कह रहा है, बुद्ध यहाँ पे कह रहा है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी तो बिका दूंगा, लेकिन जो तेरे को लाभ है ना वो ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 6-12 साथ में लगा है। अगर 5 और होता ना बड़ी बहन, यहाँ पे अगर 5 और होता ना, तो यहाँ पे क्या होता, जातक को मजबूरी में बेचनी पड़ती, जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, या जो है उसको कोई फाइनेंशियली घाटा लग गया, या कोई और कार्य हो गया, कोई पैसा बहुत ज्यादा मांग तोड़ा हो गया, तब जातक को क्या करना पड़ता, उस तरह से उसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोमिसेस मिला है कि आपको प्रॉपर्टी बिकेगी, लेकिन हमारी उतने दाम में नहीं बिकेगी जितनी हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है? पर सर इससे ये पता चलता है कि नुकसान में बिचेगी या। ये देखो देखो ये क्या है ना, अब आप एज ए कस्टमर की बात होती है, 6 और 12 आ गए ना, तो इसको लाभ नहीं होगा, समझ गए? ये 11 आ गया तो इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है, यानी जो ब्याज है वो निकल जाएगा पैसे का। मान लीजिए कि 20 लाख की प्रॉपर्टी अगर इस बंदे ने ली है 5 साल पहले, तो 20 लाख का मान लीजिए कि 2 लाख या 3 लाख जो भी ब्याज हुआ है, तो ये 22-23 लाख जो में, जायज है वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ज्यादा नहीं बस मिलेगा। बस बस बस, ये नहीं कि भाई वो 20 लाख की प्रॉपर्टी आज 40 में बिक जाए, ये नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे ये 12 नहीं आता ना, हाँ जी। तो आपको कह सकते हो कि यहाँ पे गजब का लाभ हो जाता, गजब का लाभ हो जाता, फिर आयोग प्रॉपर्टी जो है इसके अच्छे दामों में और मनचाही समय पे मिल जाती, समझ गए आप बात? तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है जी? ठीक इतना सा प्रोमिसेस आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है ठीक है। कि यहाँ पे प्रोमिसेस देखने के बाद आप थोड़ा सा इसको दृष्टि भी देख लेते हो, है ना? जैसे दृष्टि आप अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स, अब इसमें क्या है, फोर्थ हाउस के ऊपर कौन से ग्रहों की अशुभ दृष्टियां हैं, तो आपके सामने आपके पास सॉफ्टवेयर होगा उसमें दिखाया जाएगा। तो ये जैसे फोर्थ हाउस, इसके ऊपर सूर्य की अच्छी दृष्टि है, चंद्रमा की अच्छी दृष्टि है, इसका मतलब अगर हम चंद्रमा का रत्न पहनते हैं, अगर हम सूर्य का रत्न पहनते हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी सेल आउट कर सकेंगे, समझ? और अगर हम मंगल या बुध का रत्न पहनते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमें नहीं मिलेगी, या हमारी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ किंतु परंतु जरूर होगा, यानी कि हमारे को जो प्रॉपर्टी को है मंगल और बुध, ये कहीं ना कहीं खा रहा है इस प्रॉपर्टी को, यानी अच्छे दाम में बिकने नहीं दे रहा है। तो मंगल जो है वो सप्तम घर में बैठा हुआ है, और बुध भी सप्तम, दोनों ही एक तरह से 14 डिग्री का 16 डिग्री, दोनों ही एक तरह से युति संगत है, तो इसीलिए वो दोनों परेशान रहे। तो मंगल यहाँ पे जो आ रखा है ना सप्तम घर में, जन्म कुंडली का दशमेश है, जो प्रॉपर्टी का वो बिकाने का कारक बनता है, पंचमेश है जो अगले का लाभ है, तो वो जल्दी से प्रॉपर्टी बिकाने नहीं दे रहा है, समझ गए आप? तो वो इस तरह से इसको रोक रहा है, तो ये यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे शुभ दृष्टियां आ रही है, तो हम सूर्य और चंद्रमा के रत्न पहन के ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ठीक है? ये हमने एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब आपने क्या देखना है कि भाई प्रॉपर्टी का प्रोमिसिस तो हो गया, बिकेगी बिकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो कब बिकेगी, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी? हैं, तो बुध की दशा है, समझ गए? तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, आप अपने पेपर पे अपने किला अपने जो पास जो भी है वो अपने देखिए कि जो आपका बेचनी है प्रॉपर्टी, खरीदनी है, तो आपके जो है भाव जो है कौन से, तीसरे, पांचवें और दसवें, ठीक है जी, है ना? ये जो तीन भाव है, तीसरे, पांचवें, दसवें, मेरा सॉफ्टवेयर आ रहा है ना पूरा, दिख रहा है ना इसमें? हाँ जी, दिख रहा है, दिख हाँ रहा ठीक है। और इंटरनेट थोड़ा सा अगर कमजोर हो जाए तो, क्योंकि अभी क्या है बरसात होगी ना, तो थोड़ा सा वो मेरा हाँ ऊपर जो हाँ एंटी जी है ना उसमें मैं दिक्कत होती है। तो इसमें देखो तीसरा घर, ठीक है जी, है? अब इसमें तीसरा घर जो है, अब तीसरे घर के ठीक सामने अगर हमारे जो बेचने वाले ग्रह थे, यानी बेचने वाले जो कॉम्बिनेशन बने थे, जैसे हमारे कौन प्रॉपर्टी बिका रहा था, बुध बिका रहा था हमारा, ठीक है जी, है? हमारा जो बुध है वो प्रॉपर्टी बिका रहा था, ठीक है जी, ये आपने देख हाँ लिया। जी अब आपको कौन सी दशा चल रही है भाई, बेचेगा तो अभी बेचेगा ना, अगर इसके जो है अभी अभी बेचने की इच्छा हो रही तो अभी बेचेगा। तो हमारी जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है, एक हमारी जो दशा चल रही है वो आपका 13 अक्टूबर 2021 से सूर्य की चलेगी, ठीक है जी, है? और उससे पहले जैसे 13 अक्टूबर से पहले, तो अभी तो सितंबर है, 13 अक्टूबर तो अभी मेरे हिसाब से आ जाएगा, तो इसमें आप वीनस का अंतिम दौर लो तो ले लो, बाकी जरूरत नहीं है, अभी ले तो ले सकते हो, बाकी
अगर हमें पता है कि प्रॉपर्टी को थोड़ा सा टाइम लगता है, महीने भर का तो टाइम लगता है। सूर्य और वीनस दोनों को लेके चलते हैं। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य और वीनस दोनों को ले लो, ठीक है। तो इसमें आप मान लीजिए कि शुक्र की जो दशा चल रही है इसके अंदर जो है वो केतु का प्रचंत्रा आपको 13 अगस्त से लगा हुआ है, ठीक है जी। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो अब यहाँ पे चल रहा है बुध में शुक्र, शुक्र में केतु, ठीक है जी। अब जो है वो हमारे को देखने तीसरे घर के ठीक सामने, तीसरा घर प्रॉपर्टी बेचने का, क्या उसके सामने हमारे कौन सी दशाएं आ रही है? बुध आ रहा है, तो हमारा ये है कि तीसरे घर के ठीक सामने बुध आ रहा है, ठीक है। अब हमारे जो है वो आपके जो आपका पांचवा जो घर है, तीसरे पांचवे घर के सामने जो है वो शुक्र आ रहा है, शुक्र यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है जी। है ये हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो दसवां घर देख लीजिए, तो दसवें घर के सामने भी शुक्र आ रहा है, ठीक है जी, और केतु भी आ रहा है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं अभी एट प्रेजेंट के अंदर कि भाई बुध के अंदर, शुक्र शुक्र में अंदर केतु में यहाँ पे डील हो सकती है, हो सकती है, ठीक है जी। सर 13 अगस्त तो निकल गया ना, 13 अगस्त से शुरू हुआ है जी बड़ी बहन, ये यहाँ से 4 अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा, ये है ना इसका पूरा केतु के ठीक सामने 13 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर तक केतु चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, उसकी साई आ जाए, उसका जो है वो क्या नाम कहते हैं, बात पक्की हो जाए, है ना, या कुछ पैसों का कुछ भी हिसाब हिसाब हो जाए, बात पक्की हो जाए, तो यहाँ पे ये जो है ना वो प्रोमिसेस है कि भाई ये हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज पूछ रही थी, बोलते रहे एक चीज, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, है ना, हाँ। तो अभी तो 7 अक्टूबर तक श्राद्ध ही चलेंगे, तो इसमें बेचना या खरीदना वर्जित माना जाता है ना कोई भी शुभ काम। लेकिन आप चालू रखिएगा, एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड चालू है ना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर। हाँ वो सॉरी, वो क्या एक्चुअली में बारिश आ गई तेज, तो वो थोड़ा कपड़े नहीं, कोई बात नहीं सर, वो तो कोई ऐसी बात। यहाँ अब देखिए जो हमने जो बात की ना कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, हो सकती है बात, है ना, समझ गया बात कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके आदमी अटक जाता है। जैसे हमने सीधा प्रेडिक्शन कर लिया कि भाई जो है केतु हो सकता है, शुक्र में केतु में प्रॉपर्टी डील हो सकती है, ठीक है जी, है ना, या फिर केतु जो शुक्र था वो प्रॉपर्टी बेचने का दिखा रहा था लेकिन उसमें प्रॉपर्टी बिकी क्यों नहीं, बात आई समझ में कि भाई अभी जब बुध में शुक्र जो प्रॉपर्टी बेचने वाला था तो ये व्यक्ति कब से सोच रहा है प्रॉपर्टी बेचने की? सर ये अभी 1-2 महीने से पहले ख्याल आया। हाँ 1-2 महीने से ना, तो अगर ऐसा था तो जैसे बुध था इससे पहले, तो बुध 2 बार आता ना, अगर बुध अगर हमारे पास क्या होता कि अगर बुध जो है जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो शुक्र पांचों के सामने भी था और यहाँ पे 10वें के सामने था तो हम उसको ले सकते थे, तो बुध यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया है, समझ गया ना, जैसे तीसरे के ठीक सामने था तो हम बुध को 1-2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 1-2 महीने से थी ना, अब शुक्र के अंदर इसके मन में भी नहीं थी लेकिन शुक्र में बिकी क्यों नहीं, ठीक है पहले, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि यानी केतु में मान लीजिए कि इसको कह दिया कि आपने जैसे श्राद्ध वाली बात है इसको अगर साइड में कर दो, अभी हमने देख लिया कि भाई शुक्र में केतु में हो सकता है तेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी भाई, है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को देखेंगे, किसको देखेंगे कि आपके
केतु को भी देखेंगे और कहीं ना कहीं शुक्र को भी देखेंगे, ठीक है, है? अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका फोर्थ हाउस था उसके ऊपर मंगल की जो थी वो अशुभ दृष्टि थी, ठीक है जी, है? मंगल की अशुभ दृष्टि, तो इसका मतलब है मंगल वहां पे जो है वो कुछ ना कुछ अड़चने डाल रहा था, ठीक है, फोर्थ हाउस पे। अब शुक्र को देखिए, आप यहाँ पे शुक्र को आपने यहाँ पे देखा तो ये 6, 7, 5, 10, 4, 11 के प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 10 तो हमें मिल गए, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो बेचेगा, ठीक है, आगे बात समझ। अब शुक्र यहाँ पे 4, 11 भी दे रहा है, तो 4, 11 है वो डी टाइप में है, लेकिन सी टाइप में यहाँ पे जो है ना 5, 10 है, तो यहाँ पे इसके ज्यादा परिणाम अच्छे आने चाहिए, इसके नहीं आने चाहिए, समझ गए? क्यों? क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग है सबसे, ये उसके बाद है, और ये इसके बाद नहीं है, इसके बाद है, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र के ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है अनटैलेंटेड। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है वो किसके नक्षत्र में है, वो मंगल के नक्षत्र में है, तो शुक्र मंगल से डायरेक्ट जुड़ गया और मंगल हमें प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रहा है, बात आ रही समझ में? तो शुक्र की दिशा में प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया भाई मंगल प्रॉपर्टी बेचने का मुख्य कारक है, लेकिन जन्म कुंडली में तो मंगल प्रॉपर्टी नहीं बेचने दे रहा, एक तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो आपका शुक्र है वो यहाँ पे देखिए सारे जो ग्रह हैं उनमें देखिए कि शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, नहीं है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये कैसे देखा सर? देखो शुक्र जो है वो स्टार STL लिखा ना, इसका मतलब स्टार लॉर्ड, शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में दिख रहा है, MA मंगल है ना। अब आप देखिए इस पूरी लाइन में कहीं पे शुक्र दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, नहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि शुक्र तो किसी और का फल दे रहा है, शुक्र तो जो है वो आपका फल दे रहा है, लेकिन आप किसका फल दे रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, शुक्र तो मंगल का फल दे रहा है, हाँ, लेकिन शुक्र के फल कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, तो शुक्र के भाव जो है वो कट जाएंगे, जैसे चौथा ग्रह है ये और आपका शुक्र जो है वो 11वां ग्रह है, इनके फल कौन देगा? कोई नहीं देगा, तो इसकी फल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र की ही होगी, तो अनटैलेंटेड ब्लेसिंग है। इसका मतलब क्या है कि 4, 11 के फलों के परिणाम भी शुक्र देगा, ठीक है, तो 5, 10 वाले फलों को काट देगा ये शुक्र, तो प्रॉपर्टी बेचने वाले योग में नहीं आएगा ये शुक्र। अगर आप ये सोचते हो कि शुक्र की दिशा में प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो नहीं बिकेगी, क्योंकि 5, 10 दे रहा है तो प्रॉपर्टी बिक रही है, और यहाँ पे 4, 11 आ गया इसमें प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अगर यही अनटैलेंटेड ना होकर टैलेंटेड होता तो आपका कह सकते हो कि भाई हाँ आपकी प्रॉपर्टी 99% शुक्र में बिक जाएगी, और शुक्र जा रहा है, जब कोई प्लेनेट जाता होता है और कोई नया प्लेनेट आता होता है तो उसे दशा छिद्र कहते हैं, समझ गए? दशा छिद्र के अंदर जितना बड़ा ग्रह होता है उतनी बड़ी ही उसकी जो है वो दशा छिद्र होता है, तो शुक्र 20 साल का होता है तो उसका दशा छिद्र जो है वो 6 महीने 8 महीने के लगभग का होता है, और सूर्य जो है उसका 3 महीने का होता है, तो यहाँ पे सूर्य जो आ रहा है तो यानी कि शुक्र के अंदर, शुक्र के बाद सूर्य आ रहा है, तो आपको 6 महीने पहले ही सूर्य के परिणाम थोड़े 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 अंदाज से मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो इसको जो प्रॉपर्टी बेचने के जो मन में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई शुक्र जो है वो हमने डिनाई कर दिया, यहाँ पे ये नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ पे बेच तो रहा है लेकिन यहाँ पे अनटैलेंटेड है, इसलिए मतलब खरीद भी रहा है और नहीं हो पाएगा, शुक्र में इसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ठीक है जी, है? और मंगल इसका नक्षत्र है तो प्रॉपर्टी बेचने नहीं देगा, आगे समझ में बात? अब इसके बाद देखिए कि आपका शुक्र की जब बात खत्म होगी तो फिर इसमें आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसका टाइम भी चला गया है। अब हम शुक्र को, अब मान लीजिए कि 2018 में शुरू है आपका प्रश्न, आपके पास 2019 में आ गया है, और शुक्र जो 2021 से चलेगा तो 2 साल थोड़ी अगला वेट करेगा, तो उस केस में क्या करेंगे कि रूलिंग प्लेनेट को लेके आएंगे। क्या रूलिंग प्लेनेट में शुक्र है? अगर रूलिंग प्लेनेट में शुक्र है, जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर रूलिंग प्लेनेट में कहीं पे शुक्र है, जैसे ये क्या है, ये है कास्टिंग चार्ट, ठीक है, जब आदमी जन्मा था, ये है हमारा जो है वो, जैसे मैं यहाँ पे फलित कर रहा हूँ तो मेरा, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो देखो यहाँ पे आ रहा है लग्न का जो है ना वो नक्षत्र स्वामी, ठीक है, लग्न का सूर्य, हाँ लग्न का नक्षत्र स्वामी शुक्र आ रहा है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी भी खा सकता है, ठीक है, ठीक है। आपको मैं एक हिंट देता हूँ, जिंदगी में याद रखना कि जब भी आप फलादेश करो ना जो भी आदमी की, और अगर आप
फलादिश करते समय आपकी जो जो उसका बर्थ चार्ट का डेलोड है या बर्थ चार्ट का जो कास्टिंग प्लेनेट है और आपके जो जिस समय आप चार्ट को कास्ट कर रहे हो उस समय अगर कास्टिंग यानी एक दो तीन और चार ये पांच, इन पांचों में अगर जो ग्रह आपका कॉमन हो जाता है, जैसे यहाँ पे बुध जो है वो इसमें तीन बार बुध आया है, इसमें दो बार बुध आया, इसका मतलब क्या है कि बुध इज आपके प्रश्नों का सारा उत्तर बुध के हिस्से आएगा, आपके सारे प्रश्न बुध ही देगा और बुध को देख के जान सकते हो कि जातक क्यों आया है, किस लिए आया है। अगर बुध छह बार दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसको कोई मेडिकली भी थोड़ी तकलीफ होगी, समझ गए। तो अब यहाँ पे आपने ये देखा, अब रूलिंग प्लेनेट को बाद में आएगा ये, अभी आपने ये देख लिया कि भाई शुक्र को हमने छोड़ दिया, शुक्र नहीं आएगा हमारे लाइफ नहीं है, तो आपको सूर्य, सूर्य की दशा से होगी 2021 में और 2022 तक चलेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी बेचने के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बनेगी, तो आप सीधा ही शुक्र को देखिए, शुक्र जो है वो अनटैलेंटेड है और वो भी मंगल के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है जी। सूर्य, हाँ सूर्य भी, हाँ सूर्य भी यहाँ पे देखिए ना मंगल के नक्षत्र में बैठा, ठीक है जी, है और केतु के उप नक्षत्र में, और केतु हमारा जो है ना वो ग्रह था, याद रखिएगा केतु, क्योंकि केतु हमने लिया था, समझ गए ना, है। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका यहाँ पे सूर्य को देखो, सूर्य क्या दिखा रहा है, सूर्य 6, 7, 5 और 10, 5 और 10, 13 है, आगे समझ में। लेकिन यहाँ पे खरीदने के भाव नहीं है, अब मंगल चाहे इसको कितना भी दृष्ट करे इसको ये परिणाम 5 और 10 के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दो अनटैलेंटेड है तो दो का परिणाम हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 5 और 10 के परिणाम मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस दशा में प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। अब मंगल की अशुभ दृष्टि है तो मंगल का कोई दान कर दो, खत्म कहानी। अच्छा ठीक है, और यही प्लेनेट सूर्य अगर रूलिंग प्लेनेट में आ गया तो फिर आपका तो चांदी हो गई, यहाँ पे अगर देखोगे तो रूलिंग प्लेनेट में मंगल नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई, कोई इलाज थोड़ी ना। अब ये मंगल जो है वो यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में केतु के उप नक्षत्र में आ रहा है और यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आपका दे रहा है 5 और 10, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचने के योग आ सकते हैं। अब इसमें देखो तीसरे घर के ठीक सामने मंगल नहीं है, यहाँ पे पांचवें घर के ठीक सामने सॉरी मंगल नहीं सूर्य, सूर्य जो है वो नहीं था और यहाँ पे पांचवें घर के ठीक सामने सूर्य बैठा है और हमारे को यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको दसवें घर के ठीक सामने भी सूर्य बैठा है, इसका मतलब है कि हमारी सूर्य की दशाओं में जो है प्रॉपर्टी बिक सकती है। टाइप डी में मंगल भी आ रहा है ना दसवें घर, मंगल आ रहा है तो मंगल को अभी लेना देना क्या है मंगल से। अच्छा मंगल से जब लेना देना हो, जो मंगल की दशा 2024 की बात हुई है। अच्छा अच्छा मंगल आ रहा है तो हम प्रत्यंतरे में जाएंगे ना, ठीक है भाई। भाई अभी जातक देखो 13 अक्टूबर 2021 से इसको सूर्य लगेगा, तो सूर्य में सूर्य का पहला अंतरा, तो सूर्य में सूर्य को छोड़ दो, इसके बाद आओ चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा आओ, अब आपको क्या करना है कि इस सिग्निफिकेटर को देखना है, ये पूरा जो टेबल है ना इसको पूरा देखो, इसको पूरा देखो, इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन सा है जो प्रॉपर्टी बिकाने का कारक है, यानी कि 3, 5, 10 के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समीकरण कौन दे रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो सूर्य दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, ठीक है, हैं, और इसके बाद जो है ये गुरु आ गया, गुरु दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो शुक्र नहीं दे रहा क्योंकि वो काट रहा है अपने आप ही को, और उसके बाद जो है वो केतु भी दे रहा है, ठीक है जी, केतु भी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने कौन कौन प्लेनेट आ गए कि चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आएगा हमारे पास, है ना। अब ये चाहे आप लिखो या नहीं लिखो आपकी इच्छा है, चंद्रमा आ गया सबसे पहला। अब चंद्रमा यहाँ पे आ गया, अब चंद्रमा क्या हमारा पांचवें दसवें के ठीक सामने बैठा है और पांचवें सामने, तो चंद्रमा जो हमें दिखा रहा है कि ये 28 अक्टूबर, ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो कि भाई ये आप देखो ज्योतिष आचार्य हो ना, तो आप ना अपना दिल खोल के लीजिए समय, तो आप इसे कह सकते हो कि अक्टूबर का जो महीना है उसको लेके और नवंबर दो महीने के मध्य में आपका कार्य जो है वो सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ये 28 अक्टूबर से लगेगा, तो आपको क्या है डीलिंग विलिंग सब जो है शुरू हो जाएगा और इसे चंद्रमा का एक रत्न धारण करवा सकते हैं, ठीक है, है ना, चंद्रमा का एक रत्न जो है वो धारण करवा सकते हैं जिससे कि इसको लाभ हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी चंद्रमा में बिकने के योग आ जाएंगे। अब आज के दिन में क्या है रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा नहीं है, तो इसमें क्या है हमारे को संचय है कि हमारा ये कार्य जो है वो सिद्ध होना संभव नहीं लग रहा है, ठीक है, लग नहीं रहा है संभव हो, ठीक है। तो आज के दिन में गुरु जो है वो भी रूलिंग प्लेनेट है और यहाँ पे बुध भी था, शुक्र को हमने नकार दिया था, यहाँ पे देखिए मंगल भी है,
और यहाँ पे चंद्रमा, ये मंगल, ये नहीं लिया जाए, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे देखिए गुरु है और बुध है, ठीक है जी, गुरु है और बुध है, बुध हमने ले लिया था साहब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट जब लेंगे, जब हमें संचय हो, जैसे चंद्रमा पे हमें संचय है, समझ गए ना भाई, चंद्रमा आज रूलिंग प्लैनेट नहीं है, अगर रूलिंग प्लैनेट होता तो हम इसके ऊपर आंख बंद करके रख देते कि भाई लेते रहे, ऊपर हमने सिक्का रख दिया है। हमारे पास गुरु है यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास यहाँ पे बुध है और शुक्र है, ठीक है, शुक्र को हमने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रूलिंग प्लैनेट वालों में शुक्र को लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ट्रांजिट चार्ट में आना पड़ेगा, ट्रांजिट चार्ट में। अब ये देखिए कि गुरु जो है आज वक्रीय है, दिख रहा है रेट्रोगेट है ना, गुरु आज रेट्रोगेट है, तो गुरु को छोड़ दो, खत्म कहानी, गुरु का खेल खत्म हो गया, ठीक है, गुरु का खेल अब खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है एक तो एक सेकेंड, गुरु गया, हमारे पास शुक्र और बुध बचे हैं, ठीक है जी, शुक्र और बुध बचे हैं। ये शुक्र है, शुक्र जो है वो यहाँ पे किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, तो यानी कि हम राहु को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि हमारे पास बुध है, बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है जी, है आ, तो मंगल रेट्रोग्रेड तो नहीं है, मंगल रेट्रोग्रेड है, तो बुध है, बुध को हम जो है अपने समक्ष ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल और बुध दोनों, क्योंकि जो ग्रह है उसका अगर नक्षत्र भी है तो उसको भी आप रूलिंग प्लेनेट में ले सकते हो, आपको जब जरूरत होती है तब, ठीक है जी, है ठीक है, ठीक है। अब आपके पास जो है बुध के साथ मंगल भी आ गया, अब यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको पता है कि मंगल क्या ले रहा है, 11, 6, 1 और 5 और 10, तो यानी कि 5 और 10 के परिणाम दे, लेकिन वो कम देगा, स्लो देगा, बहुत ही कम देगा, क्योंकि वो अनइंटेंडेड नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो चंद्रमा के ऊपर दाव रखो, ठीक है, है ना, एक आपको जो दाव रखना है वो रखना है आपको लेट, और वो लेट कब रखना है, इसे बुध के ऊपर, यानी कि 27 अप्रैल 2022, इतना टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी सेल होने में टाइम लग सकता, समझ गए, 27 अप्रैल 22 तक, हाँ ये 22 तक, समझ गए, यानी कि 27 अप्रैल 22, यानी अप्रैल के महीने से आप इसे कहो कि आप एक चंद्रमा का मोती रत्न, जो देखो जो तरीका है ना ज्योतिष का, ज्योतिष कोई सटीक नहीं है, इसमें आंकलन होता है, ठीक है, तो अपना जो आंकलन है ना वो क्या होगा कि वो इस तरह से चलेगा कि आपको यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर दाव रखना है, चंद्रमा का मोदम्बी होगी, समझ गए ना, वो उसके आप चार्ट में देख लीजिए, जैसे इसका देखिए 2520 है, इसका मतलब इसकी आयु थोड़ी कमजोर है, इसको बीमारी के योग बन सकते हैं, तो आप इसको क्लियर ही कहो ना भाई, क्लियर ही कहो ना कि भाई देखो तुम्हारे को ये साइड इफेक्ट जो कर रहा है, और मैं जितना कह रहा हूँ मंगल का और चंद्रमा का रोचन जो है वो बेझिझक होकर पहना दीजिए, कोई आयु से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, अच्छा। दिक्कत नहीं है, मंगल का मुख मंगल का नहीं, चंद्रमा का रत्न, हाँ चंद्रमा का रत्न ना इसे पहनाओ, और कहो तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो इस अक्टूबर और नवंबर के महीने में कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना कम करके और कैसे भी करके इसको आइडिया लगा के देख लो, अच्छा। ये एक संयोग बन गया है, ठीक है, ये तो होता है पहला बात, ठीक है। और अगर तुम्हारे को यहाँ पे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं और नहीं बेचना चाह रहे हो भाई, तुम अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो तुम वेट करो, अप्रैल में जो बुध आएगा उसमें आप जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करना, ये बुध में आपका काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, अप्रैल मई और जून 3 महीने आएगा, 3 महीने में आपका काम निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था उनका कि एक तरफ बेचनी है उन्होंने, उनके ऊपर कर्जा है, तो वो सोच रहे थे कि इसको बेच के सस्ती प्रॉपर्टी ले लूं और मेरा जो कर्जा है वो छूट जाए, क्योंकि अब देखिए मैं समझ गया, तो बेचनी है तो इसको मतलब अब जैसे आजकल के जो परिप्रेक्ष्य है, आजकल का जो कोरोना का जो टाइम भी है और बाकी जो चीजें हैं और मजबूरी में कोई आदमी बेचता भी है तो उतने दाम नहीं मिलते, तो इसको कहो कि तुम्हारे को थोड़ा लाभ कम है, ठीक है, तो तुम एडजस्ट करके बेचना चाहो तो 100% बिक जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रांजिट भी देख लो, ठीक है, तो आपने जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे ना ट्रांजिट चार्ट पे, तो क्या है इसका जो है अभी धनु लग्न चल रहा है ना, इसको हम कम कर देते हैं,
एक सेकंड, देखो ट्रांजिट में आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप बर्थ चार्ट उसी व्यक्ति का वहां पे यूज करो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आप इसको टाइम को सेट करना पड़ेगा। अभी ये कर्क लगन की कुंडली बन गई, ठीक है जी। शनि जो है वो आज के हिसाब से, हाँ वो आज के हिसाब से, आज के बनाओ चाहे कभी भी बनाओ, जब भी ट्रांजिट देखते हो तो उसकी लगन की ही कुंडली बनाओ। तो अभी देखो इसके, देखो तीसरे घर में चल रहा है सूर्य, मंगल भी चल रहा है और बुध भी चल रहा है, सूर्य मंगल और बुध तीनों चल रहे हैं जी, है सूर्य 5 डिग्री का है लंबे समय तक चलेगा, मंगल 10 डिग्री का है ये भी चलेगा, बुध यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है, तो बुध चौथे घर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दस जो आपका सातवां घर है वहाँ पे शनि चल रहा है, अब मंगल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आठवीं दृष्टि आपके अपनी राशि के ऊपर डाल रहा है, ठीक है जी, तो सेल आउट कर लाभ देगा मंगल इसको, तो मंगल का गोचर तीसरे घर है तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का योग बन रहे हैं गोचर के अंदर, ठीक है। अब मंगल की जो दृष्टियाँ है वो हमें नजर आ रही है सप्तम, और यहाँ पे आपको जो है वो सबसे बढ़िया क्या नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा पांचों घर में बैठा हुआ केतु, केतु जो है वो आपका इसके पांचों घर में गोचर कर रहा है, पांचों घर प्रॉपर्टी बिकाने का है, केतु यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी बिकाने के लिए दरार डालता है, हमारा नुकसान का योग करना था, तो हम ट्रांजिट में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बिकने के योग आ रखे हैं। आने वाले जैसे हमने अक्टूबर लिया है तो इसके सितंबर के बाद हम जैसे अक्टूबर, अक्टूबर ले लिया और ये नवंबर ले लिया, अब यहाँ पे आपने ये ले लिया नवंबर, अब देखिए नवंबर में क्या संयोग रहेगा, नवंबर में क्या होगा कि मंगल जो है वो चौथे घर में आ जाएगा, ठीक है, तो मंगल यहाँ पे चौथे घर में आ रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए ठीक है। अब पांचवें घर में जो बुध सूर्य और केतु आ जाएंगे, ठीक है जी, हैं, तो हमारे को जो बुध आ गया और आपका सूर्य आ गया, ठीक है जी, है ना, और यहाँ पे बुध है ही दोबारा, तो ये बुध सूर्य और बुध सूर्य और केतु तीनों यहाँ पे बैठे होंगे, हमारे को यहाँ पे लाभ मिलेगा और मंगल लाभ मिलेगा 100% लाभ मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि इस सप्तम घर पे आ गई, सप्तम घर पे शनि भी आ गई, तो मंगल और शनि दोनों के दोनों प्रॉपर्टी बिकाने के योग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है बुध और सूर्य और केतु जो हमारे पांचों घर के सिग्निफिकेंट रहे हैं, 3, 5 और उनके, और तीसरे घर का मालिक है बुध जो यहाँ पे आ गया, जो हमने कैलकुलेट में टाइम निकाला है 27 अप्रैल को, सॉरी ये जो आपका चंद्रमा के नवंबर का चंद्रमा का, तो ये आ गया है और चंद्रमा हमारा जो है वो भी 12वें घर में चला गया है, ठीक है। और चंद्रमा को तो इतना देखने की जरूरत नहीं है, वो तो इतना भागता रहता आता जाता रहता चंद्रमा, यहाँ पे हमारे जो टारगेट है वो है बुध है और सूर्य, ठीक है, और आपका बुध है, तो बुध यहाँ पे पांचों घर में आ गया, तो ये अपने सिग्निफिकेटरों में दे दिया ना, जिसे हम अगर गोचर का सिग्निफिकेटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सूर्य, सूर्य जो है वो क्या दे रहा है यहाँ पे 4 और 2 दे रहा है और शनि के नक्षत्र में है, इसको पूर्ण और बुध के उप नक्षत्र में, तो पूर्ण रूप से खोलेंगे ना, तो ये यहाँ पे तो क्या पूर्ण रूप से खुलता नहीं है इसका, नहीं तो अभी पूरा इसका आइडिया मिल जाता, तो यहाँ पे क्या है कि ये रिजल्ट यहाँ पे इसका बन रहा है, ठीक है ना भाई, 4 आ रहा है तो ये चौथे घर के और दूसरे घर के परिणाम दे रहा है, और बुध के उप नक्षत्र में है तो तीसरे के देगा, है ना, 12वें के भी देगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, है ना, और शनि के नक्षत्र में है तो शनि के नक्षत्र में 7वें और 8वें के भी दे रहा है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो तीसरा, क्योंकि उप सूर्य के उप नक्षत्र में तो तीसरे 12वें का परिणाम मिलेगा हमें, तीसरे घर का परिणाम मिलेगा, बुध जो है वो भी यहीं पे बैठा है तो बुध यहाँ पे देख लीजिए, बुध 4, 3 और 12 के परिणाम दे रहा है, तो 3 और 12 का दे रहा है, 4 का दे रहा है, और बुध किसके नक्षत्र में, गुरु महाराज के, ठीक है, गुरु महाराज जो है वो जन्म कुंडली में जो है वो
छठी का मालिक है और आपका नवी का मालिक है, और बेटा कहाँ का है, बेटा आपका यहाँ पे दसवीं आठवें घर में, तो यहाँ पे आठवें घर में आ रहा है ना, इसका मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम है, घर का जोड़ दिया ना, प्रॉफिट कम है, तो इसका प्रॉफिट कम होके इसे एडजस्ट करके इस जो समय है ना अक्टूबर वाला, इसमें पूर्ण रूप से बेच सकता है, समझ गया? ये जो अक्टूबर का समय है, हाँ अक्टूबर और नवंबर, पूरा अक्टूबर दे दो और अगले को पूरा नवंबर दे दो, ठीक है कि भाई तू ये दो महीनों में ट्राई कर, थोड़ा बहुत अगर कम पैसा मिल रहा है, जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 लाख की है और तुम चाह रहे हो कि मुझे 15 मिले और तुम्हें 12 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो तुम बेच दो। तुम ये सोचते हो भाई 15 का मेरे को 15 मिले, 10 की 15 है तो मैं सोचता हूँ 15 मिले या 18 मिल जाए, तो तुम फिर ये सपने जो है ना अभी मत लो, फिर वो बुध की दिशा को आने दो जो आपको अप्रैल में आएगा, समझ गए ना? अच्छा तब ज्यादा प्रॉफिट होगा फिर। हाँ तब जो ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, समझ गए ना? तो उस समय अगले को टाइम दे दो, उस हिसाब से तुम्हें फायदा हो जाएगा, ये अगले को क्या है लाभ के योग बन जाएंगे, ठीक है ना? सर अगर अब इसको बेच के खरीदनी हो तो खरीदने का योग कब बनेगा? भाई खरीदने का योग तो है ना वो 4, 11, 12 के सामने वाले प्लेनेट को देखो, यहाँ पे आओगे ना तो देखो ये चौथा प्लेनेट जो है 4 के सामने शुक्र है, तो शुक्र भी खरीदवा रहा है, तो सूर्य की दशा में अगर जब शुक्र आएगा, जैसे ये आ रहा है ना 29 जून 2022 को, तो यहाँ पे खरीद लो। अच्छा हाँ 4 के ठीक सामने आ गया, और यहाँ पे 4, 11 और 12, 11 के सामने आ रहा है शुक्र, 11 के सामने यहाँ पे भी शुक्र आ रहा है, और यहाँ पे 12 आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 2 के सामने आ गया शुक्र तो खरीद लो, ये शुक्र यहाँ पे आ रहा है ना 29 जून को, इसीलिए तो आ रहा है, इसके बाद कि यहाँ पे इसने बेची और यहाँ पे ली, यहाँ पे बेची और यहाँ पे ली, ये ऐसे है जी, ठीक है। अच्छा सर अब मतलब आपका कहने का है कि अगर ये अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं काम, तब लाभ कम मिलेगा, अगर वो वेट कर ले अप्रैल तक का। अब जैसे कई बार हमारे सामने की कंडीशन होती है ना कि भाई आज ये भाव है कल वो है, समझ गए ना? अच्छा सर ये आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये ज्योतिष दीपिका है।